इन सारी अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट को हमने एक कैटेगरी बना के यहाँ पे ग्राफ किया। 11 जनवरी 2023 को पेपर वन में पूछा गया था, बच्चे किस अवस्था में चिंतन के मानसिक रूप में परिवर्तित, रिवर्स, बस रिवर्स किस में करते हैं, रिवर्सिबिलिटी किस में आती है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा भाई, रिवर्सिबिलिटी कहाँ पे आती है, परिवर्तित सोच कहाँ पे आती है, परिवर्तित सोच आपकी कहाँ पे आ गई बच्चों, परिवर्तित सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिवर्तित सोच। भाई इस ग्राफ को बहुत 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 मेहनत करके मैं आपके लिए बनाया हूँ, इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में अब तक जितने सवाल आपसे पूछे गए, चाहे वो दिसंबर 2022 का पेपर हो या 21 का पेपर हो या उससे पहले के पेपर हो, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड के जितने भी शिफ्ट में पेपर्स पूछे गए हैं, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के जो भी उनके चरण से प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें कई चीज़ें सवाल आती हैं कि जीववादी सोच कहाँ पे आता है, इको सेंट्रिक कहाँ पे आता है, रिवर्सिबिलिटी कहाँ पे आता है, इमेजिनेशन कहाँ पे आता है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करते हुए मैं आपके लिए बहुत ही खास ये ग्राफ आपको बना के दिया। जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनके विकल्प आंसर विकल्प को मैंने एक ग्राफ में यहाँ पे बना दिया है कि 0 से 2 वर्ष सेंसरी मोटर्स में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन सी विशेषताएं आती हैं जो अब तक आपसे सवाल में पूछे गए हैं, या फिर अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इन सारी अवस्थाओं में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पॉइंट वाइज पॉइंट को हमने एक कैटेगरी बना के यहाँ पे ग्राफ बना के आपको दिखा दिया है। अब एक बार इस ग्राफ को समझ जाएंगे दोस्तों तो आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आप देखिएगा, आप जब इस ग्राफ को समझ जाएंगे ना, बिना क्वेश्चंस के बाद मुश्किल से 2 से 4 सेकंड लगेंगे, 2 से 4 सेकंड में आप फटाफट से आंसर देंगे इन सारे प्रश्नों का। तो बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको हमको सबको पता है कि जीन पियाजे जो थे वो संज्ञानात्मक विकास के बारे में थ्योरी दिया था, ये कहाँ के, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था और इसके प्रयोग के बाद जो सिद्धांत दिया था उसको हम कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विकास के बारे में बताया गया कि बच्चों का विकास कैसे होता है। इसे अवस्था भी सिद्धांत कहा गया है क्योंकि अवस्था सिद्धांत स्टेज 3, जिसमें इन्होंने 4 स्टेजेस बताए थे। वो 4 स्टेजेस कौन से, पहला संवेदी पेशी अवस्था या फिर संवेदी गामक अवस्था जिसे सेंसरी मोटर कहते हैं, जहाँ पर बच्चा 0 से 2 साल के बीच में रहता है। एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं ताकि जब हम प्रश्न पे चलेंगे ना, बड़ा मजा आएगा जब हम प्रश्न पे चलेंगे तो फटाफट से आपका आंसर आता रहेगा। तो संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था सेंसरी मोटर को 0 से 2 साल के रूप में माना गया। तो जो बच्चा 0 से 2 साल के रूप में होता है उसे सेंसरी मोटर एज में मानते हैं, स्टेज में मानते हैं। संवेदी पेशी अवस्था इसको कहते हैं, कभी कभी इंद्रिय पेशी अवस्था भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये कब होता है, 2 से 7 साल, 2 से 7 साल के बच्चे को प्री ऑपरेशनल स्टेज में रखते हैं। और तीसरा है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहां पे बच्चा 7 से 12 साल के वर्ष में होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा स्टेज जो जीन पियाजे ने कहा था वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यहाँ पे 12 साल से 15 साल, कभी कभी 11 से 15 कहा जाता है या 11 प्लस कहा जाता है, कहने मतलब 11 से अधिक, 11 से लेके 15 साल और उसके ऊपर के। तो 4 ही अवस्थाएँ इन्होंने बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल मोटर, कंक्रीट ऑपरेशनल मोटर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, संवेदी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था को औपचारिक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, औपचारिक अवस्था। अब आइए दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आपको समझ में आ गई तो इस ग्राफ को समझ लीजिए, इस ग्राफ के समझते ही दोस्तों आपके सारे सवाल जो आज तक पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाने हैं, ठीक है। तो आइए इस ग्राफ को समझते हैं। सबसे पहले देखिए इन शब्दों को भी साथ ही साथ आपको समझना पड़ेगा, जहाँ पे पहला आपसे कहा जा रहा है आप बताइए इसका क्या मतलब हुआ, आप इससे क्या समझते हैं। जैसे देखिए पहला आपसे कहा जा रहा है इंद्रियों के प्रयोग, इंद्रियों के प्रयोग से जब बच्चे इंद्रियों के ऊपर अपने सेंसेस के यूज से सीखता है तो वो किस अवस्था में आता है दोस्तों, वो आता है संवेदी गामक अवस्था में, मतलब सेंसरी मोटर में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। दूसरा दोस्तों वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब समझ जाइए, कई बार इससे पूछा गया सीटेट में सवाल कि ऑब्जेक्ट परमानेंस के बारे में, मतलब मोस्टली सवाल पूछे जाते हैं आपके सारे शिफ्ट में, कम से कम 4-5 शिफ्ट में तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है, वस्तु अस्थायित्व का मतलब क्या होता है।
वस्तु अस्तित्व का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक छोटे बच्चे को मैंने लॉलीपॉप दिखाया या फिर कोई भी चीज़ दिखाई, खिलौना दिखाया, टॉय दिखाया, अगर उसके सामने से ये हम चीज़ें हटा लें फिर भी उसके दिमाग में वो चीज़ की तस्वीर बनी रहती है, उसे यह बात की यकीन है कि यह वस्तु भले उसके सामने नहीं है लेकिन फिर भी अस्तित्व में है, वस्तु अस्थायित्व, फिर भी वो प्रेजेंट है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो इस थॉट को, इस सोच को कि वह वस्तु सामने नहीं है फिर भी प्रेजेंस है, फिर भी उसका अस्तित्व है, इसी को हम वस्तु अस्तित्व कहते हैं, इसी को ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है ये कौन सी अवस्था में होती है दोस्तों, दो से जीरो से दो साल, जी हाँ, दो जीरो से दो साल यानी कि संवेदी गामक अवस्था, सेंसरी मोटर अवस्था में यह कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। शुरुआत के जीरो से नौ महीने में तो डेवलप नहीं होता लेकिन दो साल आते आते बच्चा ये समझने लगता है, जैसे छोटे बच्चे को अगर आप कोई खिलौना दें फिर वो हटा ले तो वो उसके लिए रोएगा, फिर उसको जब दोबारा दे देंगे तो वो चुप हो जाएगा, यानी उसके दिमाग में है कि वस्तुएं हट गई हैं फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। तो ये याद रखिए कि वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंसी की काल कौन सी है, कौन सी अवस्था में इस बच्चे के अंदर इसकी विकसित समझ विकसित हो जाती है, तो वो है दोस्तों सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जिसे हम वस्तु अस्थायित्व भी कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक सवाल इसको देख लीजिए जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि वो कौन सी अवस्था है जहाँ बच्चे अनुकरण करना, इमिटेट करना, नकल करना शुरू कर देते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बच्चे ने देखा कि पापा आटा सान रहे थे, बच्चे ने बर्तन उठाया और आटा सानने लगा, ये इसका इमिटेशन है, वो इमिटेशन कर रहा है, वो नकल कर रहा है। बच्चे ने देखा कि मम्मी ऑफिस जा रही है जॉब करने, बच्चा भी तैयार हो गया स्कूटी से जाने की कोशिश कर रहा है, ये इमिटेशन है, ये नकल है, ये कौन सी अवस्था में होगी? अब आप कहेंगे कि दो से सात साल की अवस्था में होती है जब बच्चा इमिटेट करता है, लेकिन नहीं, क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि आप जब बच्चे को करते हैं तो वो भी इस तरीके का आवाज़ निकालता है, जब बच्चे को आप चू चू करते हैं तो वो भी इस तरीके का आवाज़ निकालते हैं, जब बच्चे को आप जैसे कई बार छोटे बच्चों को करते हैं तो वो भी करता है, तो इमिटेट करना कब शुरू कर देता है, नकल कब शुरू कर देता है, बिगेन टू इमिटेट, अब ये कौन सी अवस्था होगी? दोस्तों कई बार ये सवाल पूछा गया है, अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है और अक्सर यहाँ पे गलती हो जाती है, तो इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए कि इमिटेट, बिगेन टू इमिटेट, अनुकरण की प्रारंभ वो कब कर देता है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था यानी कि जीरो से दो साल के बीच में, जीरो से दो साल के बीच में वह इमिटेशन स्टार्ट कर देता है, बिगिन कर देता है। समझ में आ गई भाई? भाषा का इमिटेशन नहीं करता, अगर जीरो से दो साल के बच्चे को कहो कि बोलो पापा, वो नहीं कहेगा पापा क्योंकि वो बहुत छोटा है, लेकिन इमिटेशन कुछ क्रियाएं वो करना जरूर शुरू कर देता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो बच्चों यकीन मानिए कई बार इन सारी चीज़ों से सवाल पूछे गए हैं। अब हम दूसरा स्टेज आ जाते हैं, दूसरा स्टेज है बच्चों प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी अवधि जीन पियाजे ने क्या रखी है? दो से सात साल रखी है। दोस्तों इसमें बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, बहुत सारी क्रियाएँ, और एक ना एक सवाल तो आपको यहाँ से फंस जाना है। पहला हम देख लेते हैं प्रतीकों का इस्तेमाल, प्रतीकों का निर्माण और इस्तेमाल। अब ये देखिए, दो से सात साल के बच्चों को अपने दिमाग में रखिए, अपने घर के छोटे भाइयों को, भतीजों को या फिर ऐसे बच्चों को ध्यान रखिए, कह रहे कि प्रतीकों का इस उम्र में, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दो से सात साल की अवधि में बच्चा क्या करता है? प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कैसे? अगर किसी छोटे बच्चों से पूछो कि भूख लगी है तो यस या नो, ये क्या सिंबल्स दे रहा है? यस या नो, या कैसे बनाएं? ऐसे ऐसे, हाय टाटा, ऐसे आने के बाद मम्मी इधर, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? वो शुरू कर देता है, वो काम करने लगता है इस चीज़ को। तो प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल, चिन्ह का इस्तेमाल, संकेतों का इस्तेमाल, यह किस अवस्था में होता है बच्चों? ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जब हम प्रश्न करेंगे ना तो आप देखेंगे इस चार्ट का कितना बड़ा उपयोग है, कितना फायदेमंद है ये आपके लिए पूरा चार्ट। तो प्रतीक, सिंबल, चिन्ह, संकेत, इसका इस्तेमाल कब कर देता है बच्चों? इसी में हल्की फुल्की गणना है, जैसे दो, आपके पास कितने मैंगोस हैं? टू। तो ये सब बोलना भी हल्के संकेतों का इस्तेमाल, छोटे छोटे जोड़ घटाना का भी इस्तेमाल इसी अवस्था में वो कर देता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम दो से सात साल की वर्ष को मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि इस अवस्था में बच्चा सीखता कैसे है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इस अवस्था में बच्चा सीखता कैसे है, दो से सात साल की अवस्था में बच्चा सीखता कैसे? भाषा के अनुकरण द्वारा, ये वो अवस्था है दो से सात साल जहाँ बच्चे को हम बुलवाते हैं और वो हमारी भाषा को दोहराता है, हमारी भाषा को नकल करता है और उस भाषा के अनुकरण द्वारा सीखता है। इससे पहले अनुकरण उसने प्रारंभ कर दिया है लेकिन सीखता भाषा के अनुकरण से कौन सी अवस्था में सीखता है बच्चों? तो वो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दो से सात साल प्री ऑपरेशनल स्टेज।
समझ में आ गई बात। आपने इस पॉइंट को तो देख ही लिया था कि चिन्ह और प्रतीकों का इस्तेमाल, संख्याओं का प्रयोग। अब एक सवाल आता है बच्चों, जीववाद इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे जीववाद बहुत ही ज़्यादा खास, इसके बारे में समझ जाइए। जीववाद का मतलब क्या होता है? मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, अचानक सीढ़ी से गिर गया। मम्मी या दादी कहती है कि अच्छा इस सीढ़ी ने मेरे बच्चे को गिरा दिया, तो वो सीढ़ी को मारती हैं और बच्चे को लगता है कि सीढ़ी को चोट लगती है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे रिएक्ट किया जाए कि वो लिविंग थिंग्स हो, मतलब एक निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु की तरह उसका उसको देखना, जीवित वस्तु की तरह उसको समझना। एक छोटी सी बच्ची है, किसी गुड़िया के साथ खेलती है, वो डेली उसके कपड़े बदलती है, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि इसके कपड़े गंदे हो गए। एक छोटी सी बच्ची है जो अपने गुड़िया को वो स्वेटर पहनाती है, उसका स्कार्फ बांधती है, क्यों? उसको लगता है कि ये जीवित वस्तु है। तो जीववाद का मतलब होता है कि निर्जीव वस्तुओं की भी सजीव वस्तुओं की भांति सोचना, उनके साथ भी वही क्रियाकलाप करना। तो ये कौन सी अवस्था में होता है बच्चों? ये अवस्था में होता है 2 से 7 साल। 2 से 7 साल का मतलब, 2 से 7 साल का मतलब बच्चों आपका क्या हो गया? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 से 7 साल। जीववाद समझ गया आपने, बहुत अच्छा। अगला देखिए, केंद्रीयता। केंद्रीयता का मतलब क्या होता है? कि केंद्रीयता का मतलब होता है कि सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयता का चीज़ों को समझिए। केंद्रीयता का मतलब किसी एक तरीके से ही सोचना, किसी एक परिप्रेक्ष्य से ही सोचना, उसके दूसरे परिप्रेक्ष्य को नहीं देखना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा किसी इस चीज़ को देख रहा है, तो वो अपना एक ही दृष्टिकोण लगाएगा, वो अपना रिवर्स नहीं सोच पाएगा, उसके बारे में दूसरा दृष्टिकोण नहीं ले पाएगा, ठीक है? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई बच्चा एज हाइट में लंबा है, उस बच्चे को लगता है कि ये हाइट में लंबे हैं, उसका मतलब कि ये उम्र में भी लंबे होंगे। वो दूसरे पक्ष को नहीं देखता, वो सेंट्रलाइज थॉट रखता है, केंद्रीयता उसके अंदर है कि वो एक ही पक्ष को देखता है। जैसे मान लो कोई चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे मान लो उसके पास रुई ज़्यादा है और सामने एक लोहे का पत्थर है, तो उसको लगेगा कि रुई भारी है, क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा है। वो सेंट्रलाइज थॉट कर रहा है, केंद्रीयता सोच रहा है, वो दोनों पक्ष को नहीं सोच रहा कि ये रुई है तो ये ज़्यादा होगा, ये ठोस है वस्तु है लोहा है ये कम है फिर भी ये भारी हो सकता है, नहीं, उसको लगता है कि जो ज़्यादा है वही भारी है। तो ये केंद्रीयता थॉट हो गई। ये कब आता है? ये भी आ जाता है आपके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल के अंतर्गत आता है। दूसरा है दोस्तों अपरिवर्तित सोच, इररिवर्सिबल इसके अंतर्गत भी आता है, वो विपरीत नहीं सोच पाता है, जो मैंने बात करा ना वो इसके अंतर्गत भी आता है, वो इररिवर्सिबल नहीं सोच पाता है, रिवर्सिबल नहीं सोच पाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उसको अगर आप स्कूल भेजिए, बोलो यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से राइट, यहाँ से लेफ्ट लेके चले जाओ, तो चला तो जाएगा लेकिन वापस आने में वो मिक्स कर जाएगा कि मुझे कहाँ से लेफ्ट लेना है, कहाँ से राइट लेना है, ठीक है? जैसे उसको कहिए कि यहाँ से लेफ्ट लो, फिर उसको उल्टा घुमा दीजिए, कहो तो वो विपरीत दिशा में घूमेगा, तो इररिवर्सिबल नहीं सोच पाता है, ठीक है? उसको लगता है कि बर्फ़ और पानी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको ये नहीं समझ आता कि पानी से ही बर्फ़ बना है फिर वापस बर्फ़ से पानी बन जाएगा, नहीं। तो इररिवर्सिबल थॉट उसके अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी रिवर्सिबल थॉट विपरीत नहीं सोच पाता है, परिवर्तित सोच नहीं कर पाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नहीं कर पाता, याद रखिएगा, रिवर्स नहीं सोच पाता है इस अवस्था में। अगला है दोस्तों इकोसेंट्रिक। इकोसेंट्रिक बड़ा ही ध्यान सुनिए, इकोसेंट्रिक से कई बार सवाल पूछता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। इकोसेंट्रिक इसी अवस्था में पाई जाती है 2 से 7 साल में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना, अपनी बात मानना, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ मुझे बस यही तो यही, मुझे यही तो यही। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे घर की बात है, मेरे घर एक छोटी मेरी भांजी है, सन है, उसकी एक साइकिल है, तो अगर वो साइकिल नहीं चला रही है, रखा हुआ है, फिर भी उसका भाई नहीं चला सकता, क्यों? क्योंकि वो मेरा है, मतलब रखा है तो उसको चला, नहीं वो मेरा है, वो नहीं छू सकते, ठीक है? अगर 2 चॉकलेट है तो 2, एक तुम खाओ एक तुम खाओ, नहीं। इकोसेंट्रिक मतलब अपनी सोच, दूसरों की सोच नहीं, दूसरा की सोच सोचता ही नहीं वो बच्चा, अपनी सोच के बारे में वो सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता, दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझ सकता है। इसीलिए इस उम्र में बच्चे जिद ज़्यादा करते हैं, वो जिद करते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे जाना है तो जाना है, समझ में आ गई बात? तो अगर आपके घर में बच्चा हो तो ये उसका साइकोलॉजिकल नेचर एक क्लियर, उसको मारे मत, उसको मारिएगा मत। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बच्चों से, पेरेंट्स से, कि ये साइकोलॉजिकल नेचर है कि इस एज में 2 से 7 साल के बच्चों में उसके अंदर इकोसेंट्रिक होगा, वो बच्चा जिद करेगा, ठीक है? उसको अपनी सोच, वो दूसरों की सोच समझ ही नहीं सकता, क्योंकि जीन प्याजे कहते हैं कि इकोसेंट्रिक एक नेचर है जो इस स्टेज में पाया जाता है, समझ में आ गई बात? तो वो जिद करेगा, उसको मारिए मत, उसको प्यार से समझाइए, ठीक है? तो ये हो गई बात 2 से 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बातें, और इतना बहुत है, इसी से सवाल आपके बाद अंदर आता है। अच्छा एक और चीज़, पार्क संक्रियता, मतलब खेल की भावना।
इसी एज में 2 से 7 साल की एज में बच्चों को पार्क में जाने में बड़ा मजा आता है, झूला झूलना, पार्क में जाना, बच्चों के साथ खेलना। तो 2 से 7 साल के बीच एज में, 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे यहाँ पे जरूर जाते हैं, ठीक है, इनके बीच इनके पास रहता है। अगला देख लेते हो दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को समझ जाइए, लॉजिकल बच्चा लॉजिकल जवाब देना कब शुरू कर देता है, तार्किक आंसर्स, तर्कपूर्ण तरीके से व्याख्या करना कब शुरू कर देता है, 7 से 11 साल में। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए कि मूर्त वस्तुओं को, जो वस्तुएं उसे दिखाई दे रही है ना, उसी के बारे में वो लॉजिक लगा सकता है, जो वस्तुएं उसको दिखाई नहीं दे रही है उसके बारे में वो लॉजिक नहीं लगा सकता। सीटेड में एक सवाल आया था, अभी आपके पास जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें दिखाएंगे कि सीटेड में एक सवाल आया था कि एक बच्चा है, उसको हमने 3 पेन दिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने उसके पास तीन चीज़ें दी, जैसे मैं एक बॉक्स ले लेता हूँ, तो अगर मैंने बच्चे को कहा कि ये इस पेन से लंबा ये बॉक्स है, सॉरी इस पेन से लंबा ये मोबाइल है और इस मोबाइल से लंबा ये बॉक्स है, तो क्या ये बॉक्स सबसे लंबा है, वो कहेगा हाँ बिल्कुल सही है ये लंबा है। तो जो चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही है वो लॉजिक लगा लेगा, लेकिन अगर हम उससे कहेंगे कि ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा होगा, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये चीज़ें अमूर्त हैं, वो अमूर्त नहीं समझ पाएगा इस एज में, 7 से 11 साल की एज में वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। वो लॉजिक तो लगाएगा लेकिन केवल उन चीज़ों में जहाँ पे उसे चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो चीज़ें उसके अंदर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो पहला है लॉजिकल, उसका कब स्टार्ट हो जाएगा, 7 से 11 साल पूर्व संक्रियात्मक, सॉरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। दूसरा रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबल थॉट इसके अंतर्गत आ जाएगा, डिसेंट्रेशन आ जाएगा। सेंट्रेशन का मतलब वो एक पक्ष को देखता था 2 से 7 साल में, लेकिन यहाँ पे डिसेंट्रेशन वो दोनों पक्ष को देख सकता है, ठीक है, दोनों पक्ष को यहाँ पे वो देख सकता है। 7 से 11 साल के बच्चे थोड़े समझदार हो जाते हैं तो वो दोनों पक्ष को देख सकते हैं, वो यहाँ पे कम जिद करते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रेशन और रिवर्सिबल थॉट, यहाँ पे परिवर्ती सोच 7 से 11 साल के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा दोस्तों संतुलन, बैलेंस करना, अब इस चीज़ों को याद रखिएगा, एक पॉइंट कहा जाता है CCS का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन, कन्वर्जन और सीरिएशन, मतलब चीज़ों को क्लासिफाइड करना, वर्गीकरण करना, और क्या क्लासिफिकेशंस, कन्वर्जेंस और सीरिएशन, क्रमबद्ध क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना और उनको क्रमबद्ध तरीके से करना, उनका संरक्षण करना, उनको स्टोर करना, ये सारी क्राइटेरिया भी, ये सारी विशेषताएं भी 7 से 11 साल के अंतर्गत आ जाती हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो अब इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, आपके पिछले जो सीटेड में सारे सवाल पूछे गए उसको करेंगे। तो बैलेंस बनाना, संतुलन बनाना उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। उनको कह दीजिए कि भाई उसको दे दीजिए 10 चॉकलेट और कहिए कि आपस में बांट लो, तो वो बांट लेगा, 7 से 11 साल के बच्चे बांट लेंगे, 10, अच्छा 5 लोग हैं, 2-2 लोग बांट लेंगे, ठीक है। संबंध बनाना आ जाएगा, ठीक है, संबंध बनाना आ जाएगा। क्रमबद्धता, चीज़ों को क्रम में रखना उसको आ जाएगा, क्रमबद्धता उसके अंतर्गत, इस चीज़ों को याद रखिए, क्रमबद्धता कब आती है, 7 से 11 साल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। वर्गीकरण, चीज़ों को क्लासिफाइड कर पाएगा, ठीक है। दूसरा दोस्तों भूतकाल, भविष्यकाल घटनाओं को याद करना शुरू कर देगा क्रम में, कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इन चीज़ों को वो याद करना शुरू कर देगा। इंडक्टिव, इजी टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंडक्टिव, इजी टू हार्ट। अब इस अवस्था में बच्चा जो सीखेगा ना वो इंडक्टिव मेथड में सीखेगा, आसान से मुश्किल की तरफ सीखेगा, ठीक है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि उदाहरण से सवाल की तरफ, उदाहरण से नियम की तरफ, आसान से मुश्किल की तरफ, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम इजी टू हार्ड। तो इंडक्टिव कहाँ पे सोचता है दोस्तों, इंडक्टिव मतलब कहाँ सोचेगा, आगमनात्मक कहाँ सोच रखेगा, 7 से 11 साल, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। समझ में आ गई दोस्तों, लास्ट पॉइंट देख लेंगे, लास्ट पॉइंट देखने के बाद आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा और फिर उसके बाद हम चलेंगे आपके जितने भी सीटेड के सवाल पूछे गए उसकी तरफ। तो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, हमारा लास्ट पॉइंट आज का है वो है कंक्रीट ऑपरेशनल, जिसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले तो अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उसको भी वो सोच सकता है, ठीक है। उसको कहिए कि अगर यहाँ से वो 2 किलोमीटर तो वहाँ से वो चीज़ों को समझ पाएगा। इसके अंतर्गत अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना क्या इसके अंतर्गत आ जाता है, कि वो चीज़ों को अनुमान लगा सकते हैं, अच्छा मतलब कुछ चीज़ों को वो अनुमान लगा लेगा, अच्छा वहाँ से आधे घंटे में चले आए तो 15 मिनट में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। अनुमान लगाना कब आ जाता है, अमूर्तता के अंतर्गत आता है, 7 से 11 से 15 साल के अंतर्गत आ जाता है। वास्तविक और काल्पनिक के अंतर्गत उसको समझ आ जाता है, कहाँ चीज़ें कुछ वास्तविक है कुछ काल्पनिक है, वो उनके अंतर्गत समझ में आ जाता है उसके अंदर। दूसरा दोस्तों
परिकल्पना कर सकता है, ठीक है, हाइपोथेटिकल परिकल्पना कर सकता है, मतलब सोच सकता है। अमूर्तता का मतलब 11 से ऊपर वो हर एक चीज़ से परिपक्व हो गया, तो अमूर्तता यहाँ पे डिडक्टिवली निगमनात्मक, अब यहाँ पे नियम से उदाहरण समझ सकता है, अगर उसके पास कुछ नियम पता हो तो वो उदाहरण बता सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों के विपरीत होता है, इसमें इंडक्टिव होता है, इसमें डिडक्टिव होता है, इसमें उदाहरण से नियम जाता है, यहाँ पे नियम से उदाहरण आ सकता है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स हो गई इसके अंतर्गत। एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूँ जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, वो है दोस्तों समाज को समझना। अब आप बताइए कि कौन सी अवस्था में बच्चा समाज को समझ सकता है, समाज के नियम को समझ सकता है, न्याय व्यवस्था को समझ सकता है, कौन सी अवस्था में समझ सकता है? तो बिल्कुल वो समाज की समझ इस अवस्था में होती है, 11 से 15 साल की उम्र में होती है, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक कहते हैं। दोस्तों अगर आपने इस पूरे चार्ट को ध्यान से सुन लिया होगा, अगर एक बच्चा भी यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया सुन लिया तो अब वो खुश हो जाए। मैं उसे खुशखबरी देता हूँ कि अब तक कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं आप बिना किसी देरी के आँख बंद करके सॉल्व करने वाले हैं। आँख बंद करके मतलब बिना, बहुत बहुत कम समय लगेगा। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या कह रहा है, और अब लगेगा कि अब तो कुछ है ही नहीं सवाल में। अब इस सवाल को देखिए कि यह सवाल क्या कह रहा है, और आइए ज़रा फटाक से हम सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी के। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि रीमा अभी हाल ही में तार्किक रूप से और बेहतर संयोजित रूप से अपनी प्रतिक्रियाओं को तार्किकता से स्पष्ट करते हुए प्रश्नों को उत्तर देना आरम्भ कर दिए, बात खत्म, लॉजिक लगाना शुरू कर दिए, लॉजिक लॉजिक लॉजिक। यहाँ पे अमूर्त की बात की नहीं गई, ये केवल कह रहा है कि लॉजिकल उसने स्टार्ट कर दिया। भाई आइए हम ग्राफ पे चलते हैं, देखो लॉजिक कहाँ दिया है, लॉजिक दिया है 7 से 11 साल का, मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बात खत्म। लॉजिक कहाँ पे लगा दिया, 7 से 11 साल का मतलब लॉजिक उसने लगाना शुरू कर दिया 7 से 11 साल, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बिना किसी सोच के। बताइए आपको समय लगा इस सवाल में, नहीं लगा, लगा ना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा जहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देगा, यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यहाँ पे शुरू हो गया। बताइए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, अगला सवाल देख लीजिए, सब ऐसे ही आ जाएगा। अगला सवाल क्या, अच्छा इसके पहले वाला जो सवाल था भाई, इसके जो पहले वाला सवाल था वो 13 जनवरी 2023 के पेपर 1 में पूछा गया था, ठीक है। अगला सवाल, अब आप बताएंगे सवाल, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है? कार चलती है इसलिए वो सजीव है, हालांकि कार निर्जीव है लेकिन बच्ची सोचती है कि वो सजीव है, इसी को तो मैंने बताया था। अच्छा ये बताइए इसको कहा क्या जाता है, इसको जीववादी सोच कहा जाता है, केंद्रीयता, अपरिवर्तित सोच या क्रमबद्धता? अगर आपने समझ लिया इस वीडियो को तो बच्चों आप आसानी से कहेंगे कि सर ऐसा है, उसे जीववादी सोच कहते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि जीववादी सोच कहाँ आता है, जीववादी सोच कहाँ आता है आपको बताना पड़ेगा। तो जीववादी सोच अगर आप कह रहे हैं कि 2 से 7 साल, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जीववादी सोच इसी के अंतर्गत आता है। जब बच्चे को चोट लगती है सीढ़ी से तो हम सीढ़ी को मारते हैं और कहते हैं कि तुमने बच्चे को गिरा दिया, तो बच्चों को सीढ़ी को चोट लगता है तो बच्ची खुश हो जाती है कि चलो भैया इसको सजा मिल गई। तो 2 से 7 साल को के एज को हम क्या कहते हैं, 2 से 7 साल की एज को हम कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई, आइए ज़रा देख लेते हैं कि जीववादी सोच कहाँ थी। जीववादी सोच हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जीववादी सोच हमने यहाँ पे कहा था 2 से 7 साल। सारी चीज़ें ग्राफ से ही मिलेंगी, और ये सवाल कब पूछा गया था, ये सवाल पूछा गया था 13 जनवरी 2023 को। कोई समस्या तो नहीं हो रही बच्चों? अब देखिए ना सवाल में कितना मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए कह रहे हैं कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में बच्चा घटनाओं के भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम, लो भैया क्रम में बताओ भाई, सी सी एस हमने कहा था, बच्चा क्रम में रख सकता है, बच्चा संरक्षण कर सकता है, बच्चा उसको याद रख सकता है, क्रम में कहाँ रख सकता है बताइए। संवेदी गामक 0 से 2 में, क्या आपको लगता है कि 0 से 2 में? पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 में, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 में, ऐसा है कहीं हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमने क्रमबद्धता कहाँ देखा था, सीरिएशन कहाँ देखा, CCS में सीरिएशन हमने कहाँ देखा था? आप कहेंगे सर सीरिएशन हमने मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 साल में देखा था, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक। अगर आप कहिए तो मैं आपको ग्राफ दिखा दूँ, नहीं अगर आप कहिए तो मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ बच्चों, ऐसी बात नहीं है। अब इस चीज़ को देखिए, क्या आपके ग्राफ में ये चीज़ें नहीं दिखी गई कि आपका क्रमबद्धता कहाँ है, सीरिएशन कहाँ है, सॉरी माफ़ करिएगा, क्रमबद्धता आपका कहाँ है, क्रमबद्धता यहाँ है, इस चीज़ को देखिए, क्रमबद्धता यहाँ है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, चलिए बहुत सही। अगर क्रमबद्धता यहाँ तक समझ में आ गई तो अब आइए इस सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल 11 जनवरी 2023 को पेपर 1 में पूछा गया था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, थोड़ा कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा पेंसिल की साइज और मोटा कर लेते हैं,
जीन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन के मानसिक रूप में परिवर्तित, रिवर्स, बस रिवर्स किस में करते हैं, रिवर्सिबिलिटी किस में आती है। अब मैं आपको ग्राफ दिखाना पड़ेगा, आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा क्या कि रिवर्सिबिलिटी किस में आती है भाई, रिवर्सिबिलिटी कहाँ पे आती है, परिवर्तित सोच कहाँ पे आती है, परिवर्तित सोच आपकी कहाँ पे आ गई बच्चों, परिवर्तित सोच मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, परिवर्तित सोच भाई। इस ग्राफ को बहुत 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 मेहनत करके मैं आपके लिए बनाया हूँ, इसी में सब कुछ आपको मिल जाएगा बच्चों, इसी में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या था, हाँ ये था क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रतिवर्ती सोच रिवर्सिबल थॉट किसके अंतर्गत आता है, तो क्या 0 से 2 के अंतर्गत आता है, या फिर आपको लगता है कि 2 से 7 के अंतर्गत आता है, 7 से 11 के अंतर्गत आता है, या फिर आपको 11 से 15 के अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा है, आप इसको ख़त्म करिए, क्योंकि हम आसानी से कर ले रहे हैं सारे सवाल को, अब हम ग्राफ पे नहीं चलेंगे। मैं आशा करता हूँ ग्राफ आपको याद होगा। तो 7 से 11 साल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रिवर्सिबल थॉट उसके अंतर्गत आ जाता है। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, ये सवाल सारे पूछे गए हैं आपके सीटेट में। अगला सवाल 30 जनवरी 2023 के पेपर में वन में पूछा गया था, इस सवाल को देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डैश डैश की आवश्यकता है। यहाँ पे 7 से 11, आपने अच्छा मुझे वेट करा लिया। 7 से 11 का मतलब क्या है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, तीसरा वाला, ठीक है। 7 से 11 का मतलब तीसरा वाला, बहुत अच्छा, जिसने भी मुझे इस चीज़ को रियलाइज कराया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 7 से 11 का मतलब क्या होता है भाई, 7 से 11 साल कौन सा आता है, 7 से 11 आपको मूर्त संक्रियात्मक यहाँ पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आता है, तीसरा वाला आता है। तो तीसरे वाले में आपको देखेंगे, तीसरा वाला में क्या होता है, ये जो परिकल्पना है ये तो चौथे का है, अमूर्त में है। तीसरे वाले का होता है बच्चों परिवर्तित सोच, पलटवा, रिवर्सिबिलिटी, अभी इसके पहले वाले में हमने देखा था। निष्क्रिय अनुसरण क्या होता है, निष्क्रिय अनुसरण तो सबसे पहले वाले में वस्तु अस्थायित्व, तो भी पहले वाले में अंतर्गत आ जाता है। परिवर्तित सोच किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, परिवर्तित सोच 7 से 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है। कोई समस्या, मैं दिखा दूँ ग्राफ आपको, परिवर्तित सोच 7 से 11 में ही आएगा। आप ज़रा इस ग्राफ को देख लीजिए, इसको ज़रा मैं और साफ कर दूँ ताकि आपको यहाँ पर असुविधा ना हो। ये देखिए रिवर्सिबल या फिर डिसेंट्रेशन कहाँ आता है, ये देखिए रिवर्सिबल और डिसेंट्रेशन इसी के अंतर्गत आता है, 7 से 11 साल। समझ आ गया, बस इस ग्राफ को समझिए, बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको भी पढ़ने में और हमें भी पढ़ने में। अगला सवाल देखते हैं, शायद आशा करता हूँ कि हमें ग्राफ की तरफ ना जाना पड़े, अब तक चीज़ें ध्यान में आ गई होंगी। 11 जनवरी 2023 के पेपर वन में पूछा गया सवाल कि जीन पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना, शामिल करना, उसको क्या करना, समायोजन करना, शामिल करना, ऐड करना, क्या कहलाता है, समावेशन, समायोजन, वर्गीकरण तो कहलाएगा ही, संकल्पना तो कहलाएगी, समावेशन कहलाएगा। यहाँ पे क्या कहलाएगा, समावेशन, समाहित करना, समावेशन क्या कहलाएगा, समायोजन का मतलब होता है पहले से उसके अंतर्गत चीज़ें हैं उसको परिवर्तित करना, लेकिन यहाँ पे केवल बात ऐड करने की जाए तो समावेशन करना, समाहित करना, ठीक है, उसको समा लेना, अपने अंदर समा लेना, समावेशन करना, ठीक है, ये वाला हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही आसान बच्चों, ये 25 जनवरी को 2023 पेपर वन में पूछा गया सवाल, 25 जनवरी मेरे बर्थडे के दिन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक, आठ हो गया निगमनात्मक, लास्ट वाला चरण फोर्थ स्टेज, अमूर्त, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल, चौथा क्या कहते हैं उसको, संवेदी तो पहले वाले को कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक दूसरे वाले को कहते हैं, मूर्त तीसरे वाले को कहते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल, ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निगमनात्मक सोच किस चरण में निगमनात्मक, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगमनात्मक पूछा होता तो, इंडक्टिव पूछा होता तो, यहाँ पे डिडक्टिव पूछ रहा है, इंडक्टिव पूछा होता, आगमनात्मक पूछा होता तो, अगर आगमनात्मक पूछा तो तीसरा ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है निगमनात्मक, डिडक्टिव। चार्ट में है, दिखा दूँ, आइए चार्ट में, तो लास्ट टाइम मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि आप सबको ये देखें, डिडक्टिव। निगमनात्मक किस में है भाई, 11 से 15, अमूर्त संक्रियात्मक कह लीजिए या औपचारिक कह लीजिए, दोनों चीज़ें कही जाती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल हमारा होगा, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 25 जनवरी को ही पूछा गया था, इसमें देखिए क्या चीज़ें कह रही, कह रहा है कि एक, इस तरह कलर चेंज कर लें, चलिए, कह रहा है कि 5 वर्षीय रीना 2 पारदर्शी समरूप गिलासे दिखाए गए जो दोनों में आकार में छोटे और चौड़े थे। अच्छा, एक मतलब 2 गिलास उसको दिखाई गई हैं, ठीक है, ये एक गिलास हो गया, ये दूसरा गिलास हो गया, दोनों सेम तरीके की हैं, दोनों बराबर मात्रा में, दोनों में बराबर दूध डाल दिया गया,
दिखाने पर रीना ने बराबर होने की समझ कहा कि रीना ने कहा चलो ठीक है दोनों में बराबर दूध, दोनों बराबर दूध सही है। फिर एक गिलास को दूध के किसी अन्य गिलास में डाला कि अब जो गिलास अच्छा अब ये जो गिलास का दूध था ना उसको हमने एक लंबे गिलास में डाल दिया। अच्छा अपेक्षित अब रीना का मानना है कि लंबे वाला गिलास अपेक्षित, अब कह रही है कि नहीं जो लंबा गिलास है अब ये क्या वो ना किसी एक चीज़ को देख पा रही है, मतलब वो किसी सेंट्रलाइज चीज़ को देख पा रही है, वो विपरीत नहीं सोच पा रही है। ठीक है विपरीत नहीं सोच पा रही, भाई दूध चाहे छोटे वाले गिलास में हो चाहे बड़े वाले उसकी मात्रा तो समान रहेगी, तो वो क्या कर रही है रिवर्स नहीं सोच पा रही है। ठीक है वो सेंट्रलाइज उसके अंतर्गत सोच है। ठीक है अब आइए अब कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वो क्या दर्शाता है काल्पनिक देखो भैया पहला जीववादी सोच इसके अंतर्गत है ही नहीं, वो कहीं भी जीवित होने की बात नहीं कह रही। क्या इसमें कहीं जीववादी सोच के बारे में कहा गया है? जीववादी सोच के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया। ठीक है लाक्षणिक यहाँ पे कोई सिंबल सिंबॉलिक की बात नहीं की, कल्पनात्मक की बात नहीं की जा रही है, उसका क्या है विवेक केंद्रीकरण में कठिनाई है। ठीक है वो सेंट्रलाइज चीज़ों को सोच पा रही है, डिसेंट्रलाइज नहीं कर पा रही है, उसको विकेंद्रीकरण में कठिनाई है। समझ में आ गया? इस सवाल में कोई दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था, बहुत अच्छा। अगला सवाल देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के में किसी वस्तु के सामने, अब इस चीज़ को देख लीजिए मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में, एक्सप्लेन किया था अगर चार्ट याद हो तो, कह रहे कि जीन पियाजे किसी वस्तु के सामने होने की स्थिति में चिन्हों द्वारा उसे दर्शाकर काम करने की योग्यता, किसी वस्तु को चिन्ह के द्वारा, कोई बच्चा है उसको चिन्ह वो ये वो दैट चिन्ह के द्वारा उसको दर्शा रहा है तो इसको क्या कहते हैं? समावेशन नहीं कहेंगे क्योंकि शामिल करना समावेशन होता है। परिवर्तित सोच इरिवर्सिबल की बात हो रही है? नहीं हो रही है। किसी चीज़ को सेव करने की बात हो रही है? नहीं हो रही है। लाक्षणिक प्रकृति इसको क्या कहते हैं? इसको ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो वो चीज़ों को सिंबॉलिक दर्शा रहा है। ठीक है किसने मारा? उसने मारा। ठीक है अच्छा बच्चा किस अवस्था में, ये मेरी तरफ से ऐसे सवाल है कि बच्चा किस अवस्था में सिंबल्स का यूज़ करना शुरू कर देता है, किस अवस्था में सिंबल्स प्रतीकों का इस्तेमाल शुरू कर देता है बताइए। बिल्कुल सही जवाब अगर आप बता रहे हैं 2 से 7 साल, 2 से 7 साल की अवस्था को क्या कहते हैं? 2 से 7 साल की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, ये सवाल आपके 1 फरवरी को पूछा गया था, अगला सवाल आपके 3 फरवरी को पूछा गया है, 3 फरवरी को सवाल पूछा गया। वो कह रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसात्करण और समंजस के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करता है? किस स्थिति? भाई आत्मसात्करण किसी चीज़ों को शामिल करना, समंजस करना, उसको एडजस्ट करना, इसमें आप क्या करना चाहते हैं? असंतुलन प्रत्यक्ष अवबोध या अपने अंदर भ्रम फैल, किसी चीज़ों को आत्मसात्करण का मतलब चीज़ों को शामिल करना और सीखना चीज़ों को, समंजन मतलब उसके अंतर्गत को बदलना, कोई गलत चीज़ें हमें याद हो गई तो नई चीज़ों को याद करना, उसको ऐड करना, बैलेंस करना, कुल मिला के इसको क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं दोस्तों, इसको संतुलन कहा जाता है। ठीक है संतुलन कहा जाता है, यहाँ पे लॉजिकल बात थी, इसमें कुछ ग्राफ से मतलब नहीं था। अगला सवाल 17 जनवरी को पूछा गया था 2023 में, और सवाल कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार व्यवहारों और विचारों को संयोजना, अब देखिए व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्स्थलीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? असंतुलन नहीं होगी, संकल्पना की बात नहीं है, मिथ्या का मतलब होता है किसी गलत अवधारणा को याद करना नहीं होता, इसका सही जवाब हो जाएगा संगठन। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संगठन। चलिए अगला सवाल देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे क्या सवाल है, मजा आ गया, किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से लॉजिकल, और किसके बारे में? मूर्त के बारे में। तो भैया मूर्त है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था साफ हमें नजर आ रहा है, तार्किक भी लॉजिकल भी स्टार्ट कर देता है 7 से 11 साल में मूर्त संक्रियात्मक में, तो हमें तो कुछ सोचना नहीं है, हमें विकल्प भी नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट मार देना है क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था डायरेक्ट यहाँ पे करिए। अच्छा संवेदी गामा की अवस्था बताइए फटाफट से बताइए, 0 से 2 साल अगर आप कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूर्व संक्रियात्मक को 2 से अगर 7 साल कह रहे हैं तो मजा आ गया, मूर्त संक्रियात्मक को अगर 7 से 11 कह रहे हैं तो मजा आ गया, और औपचारिक को अगर आप 11 से प्लस कह रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए अगर आपसे कोई भी सवाल पूछता ना किस अवस्था में पाया जाता है, आप देखिए कितना फटाक से करने वाले हैं सवाल को, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से, भैया तार्किक तो है लॉजिकल तो है लेकिन अमूर्त की बात कर रहा है, तो अमूर्त है तो क्या होगा? फॉर्मल होगा, संवेदी तो 0 से 2 साल उस बच्चे को केवल दूध रोटी मिल जाए उसी में खुश है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में थोड़ा बहुत खाने के साथ उसको खिलौना मिल जाए खेल मिल जाए वो यही सोचेगा जिद्दी लड़का, मूर्त संक्रियात्मक में लॉजिक तो देगा लेकिन उन चीज़ों को जो उसके सामने प्रेजेंट है मूर्त अवस्था में, अमूर्त कब करेगा बच्चों? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है, 2 बज गए,
चलिए रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, बस आपके लिए, ठीक है। और आप लाइक नहीं किए ना, चलिए कोई बात नहीं, कर दीजिएगा, समझ आ रही हो तब। अगला सवाल 27 जनवरी 2023 को पूछा गया था और कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दे या सामाजिक मुद्दों को सोच रहा है, न्याय के प्रति समाज स्थापित कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, सामाजिक मुद्दों की बात कर रहा है, कुल मिला जुला के बच्चा पंचायत करने लगा तो कौन सी अवस्था में पंचायत करेगा, संवेदी में क्या पंचायत करेगा उसको उसको खुद नहीं पता, वो संवेदी में बेचारे को खुद उसको वो चाहे कहीं पेशाब कर दे चाहे कुछ भी कर दे वो बेचारा खुद 2-0 पूर्व संक्रियात्मक में वो क्या उसको तो वो अपना थोड़ा बहुत खेलने को चाहिए, मूल संक्रियात्मक में नहीं तो मतलब उसको समाज के प्रति संबंध कब, बताइए। कोई समस्या आ रही है, मज़ा आ रहा है ना सवाल करने में, मुझे यकीन बताया कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख पा रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा तो बच्चे नहीं देखेंगे तो मैं वो बहुत फेमस तो नहीं हूँ, लेकिन अगर एक भी बच्चा अगर यहाँ तक वीडियो देख रहा है ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस लेता हूँ कि इसमें तो आप कभी नहीं फंसने वाले कि कौन सी अवस्था में क्या होता है, इसमें आप कभी नहीं फंसेंगे, मेरी गारंटी है। और एक सवाल तो आपको वहाँ पर मिल ही जाएगा। अब आ जाइए, जीन पियाजे के अनुसार आत्मकेंद्रियता क्या मायने, आत्मकेंद्रियता सेंट्रलाइजेशन, आत्मकेंद्रियता का मतलब क्या होता है, हमें बस हम जो सोचते हैं वही सही है, ठीक है, हम ही सोचते हैं भैया, इको सेंट्रिक, दूसरों के बारे में हमें जानना ही नहीं, किसी स्थिति में एक से ज़्यादा आयाम पर एक से ज़्यादा आयाम पर विचार ही नहीं कर रहे, सोच प्रक्रिया में मानसिक संरचना का संगठित करना, मौजूदा स्थिति के उपयोग के संसार को समझना, दूसरों के अनुभव और सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति, दूसरों की सोच को भी हम अपनी सोच से देखेंगे, अपने से देखेंगे, तो ये क्या होगा भैया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है, विकल्प को पढ़िएगा मज़ा आएगा, ऐसे ही सवाल आप कर जाएंगे, ठीक है। चलिए इकोसेंट्रिक की बात हो गई, अगला सवाल देख लेते हैं उसके बाद हम खत्म करेंगे इस वीडियो को, अब देखिए बस प्रॉब्लम चलेगा। अब आप देखिए कितना फटाफट से आप सवाल करते जा रहे हैं, पेपर 2 का सवाल है, 9 जनवरी को पेपर पूछा था 2023 में, कह रहे हैं कि जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे, मूर्त संक्रियात्मक मतलब 7 से 11 साल की अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें डैश में कठिनाई आती है, बहुत अच्छा सवाल है, क्या सवाल पूछा है, इसलिए पेपर 2 में पूछा है। देखो मूर्त में तर्क तो लॉजिक तो लगा लेगा लेकिन किसी चीज़ में कठिनाई आएगी, किस में, संरक्षण में कठिनाई आएगी, बताओ भाई, नहीं आएगी ना, हमने देखा था, लगता है ग्राफ दिखाने का टाइम आ गया, चलिए आपको ग्राफ में दिखा देता हूँ, किस में कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक, अब मूर्त संक्रियात्मक में पहले ग्राफ देखिए, अब उसके बाद हमें जवाब दीजिएगा, ये जवाब आपको देना है भाई, ठीक है, ये जवाब आपको देना है। मूर्त संक्रियात्मक में वो बैलेंस कर लेगा, वो संबंध बना लेगा, क्रम कर लेगा, वर्गीकरण कर लेगा, संरक्षण भी कर लेगा, सारी चीज़ें वो क्या कर रहा है, कर करा पा रहा है, तो जब सारी चीज़ें कर करा पा रहा है तो इस सवाल क्या पूछ रहा है, एक सेकेंड, हाँ सवाल क्या पूछ रहा है कि किस में कठिनाई आएगी, वो कह रहा है लॉजिक तो लगा लेगा, कठिनाई किस में आएगी, संरक्षण में कठिनाई नहीं आएगी, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क और क्रमबद्धता के कार्य तो कर लेगा, परिकल्पन निगमनात्मक तक में कठिनाई आएगी उसको, और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भी कर लेगा, तो इसकी कठिनाई कहाँ पर आएगी बच्चों, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क में, उसके निगमनात्मक में उसको क्या आएगी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, परिकल्पनात्मक मतलब परिकल्पना में, हाइपोथेटिकल में उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि परिकल्पना हाइपोथेटिक कहाँ करता है, फोर्थ वाले स्टेज में करता है, अमूर्त संक्रियात्मक में करता है, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक भी कहते हैं, जिसे हम फॉर्मल स्टेज कहते हैं, समझ में आ गई बात, बहुत अच्छी। अगला सवाल देख लीजिए, फिर इसको देखिए, खत्म करेंगे इस वीडियो को, अब बस प्रैक्टिस करना है, 1 फरवरी 2023 पेपर टू में थोड़ा सा लॉजिक लगा देगा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे बस यार क्या बात कर रहे हैं, अनुमान लगाना और अमूर्त चिंतन करना, अब क्या ही बताएं आपको, बताइए अनुमान लगाना और अमूर्त, अनुमान हाइपोथेटिकल, अभी पहले ही हमने देखा था, संवेदी तो 0 से 2 साल में बेचारे के खुद उसके दूध रोटी के लेने के देने हैं बेचारे के, ठीक, उसे यही नहीं पता कौन उसको गोद में खिलाएगा, कौन पिलाएगा, क्या करेगा, कौन उसको सपोर्टिंग कराएगा, पूर्व संक्रियात्मक में थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान देगा, खेलने कूदने पे ध्यान देगा, मूल संक्रियात्मक 7 से 11 में तो लॉजिक तो लगाएगा लेकिन वो चीज़ें जो उसको दिखाई देती है, यहाँ पे कह रहा है अमूर्त चिंतन, हाइपोथेटिकल अनुमान लगाना, इमेजिन करना, ग्राफ दिखा दे या अभी समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, बस करिए गुरु जी, जान लेंगे क्या बच्चे की, समझ में तो आ गया, डी वाला सही हो गया, इसमें तो आप नहीं फंसने वाले भाई, मज़ा आ गया। अच्छा अच्छी बात यह है कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जा रही है यार, कोई बात नहीं, नहीं करें अभी तक लाइक वीडियो को तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी अगला देखिए, कह रहा कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषतः कठिनाई, इकोसेंट्रिक, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं, इकोसेंट्रिक कहाँ आएगा भाई। अच्छा चलिए ग्राफ दिखा देते हैं, इकोसेंट्रिक कहाँ आएगा, ये देख लेते, इकोसेंट्रिक ये देखिए,
दूसरों के दृष्टिकोण को न समझना, उफ क्या बात है, न समझना। 2 से 7 साल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, समझ में आ गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह रहा है। उत्तर पारंपरिक नहीं, पूर्व संक, हाँ भाई पूर्व, मूर्त में नहीं, वो तो बच्चा औपचारिक तो हुआ, बड़ा हो गया। मूर्त पूर्व संक्रियात्मक, इको सेंट्रिक, दूसरों को समझने में कठिनाई, ना ना ना, जो मैं समझ रहा हूँ वही इको सेंट्रिक। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छा बच्चा। चलिए अगला सवाल देखिए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ओह मैंने यहाँ भी तो लिखना भी तो है तभी तो समझेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों, ओके बड़ा दिन बाद आया सवाल, संकेतों का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल, प्रतीकों का इस्तेमाल, बताइए क्या 0 से 2 साल, बताइए 0 से 2 साल, नहीं बाबू पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, बोलो बोलो, बोल दिए ना, मुस्कुरा दिए तो समझ गया, मुस्कुरा दिए मैं समझ गया कि आपने का यही जवाब है भैया, आगे हमें पढ़ना ही नहीं, मूर्त और औपचारिक तो है ही नहीं। आपकी मुस्कुराहट बताती है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, प्रतीकों का इस्तेमाल, सिंबल का इस्तेमाल, संकेतों का इस्तेमाल, छोटी संख्याओं का इस्तेमाल, इकोसेंट्रिक और ये सारी चीज़ें क्या है इसी के अंतर्गत आती हैं, किसके, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कोई डाउट, कोई सिंबल, कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। अगला सवाल देख लीजिए, बड़े सवाल आज लगा लिया, मज़ा आना चाहिए भाई, एक तो एक को ख़त्म करते हैं, ठीक है, मज़ा आना चाहिए ना, बस मज़ा आ रहा है, आई होप ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए ना, अब 13 जनवरी 2023 को पेपर 2 में पूछा था, जब पेपर 2 में पूछेगा तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाएगा। कह रहा है कि जिन प्याजे के अनुसार किस अवस्था में शिशु कह दिया इसने, क्या कह रहा है, शिशु कह रहा है, शिशु से मतलब थोड़ा सा समझ जाइएगा, शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभव, ओके सेंसरी एक्सपीरियंस का समन्वय करके दुनिया के, बस यार बात वही है ना, शिशु है, संवेदी मतलब सेंस करके चीज़ों को समझ रहा है, दुनिया को खोज रहा है, तो कहाँ जाएगा, ये वही होगा छोटा वाला बाबू मुन्ना। अच्छा इस समझ में मतलब बच्चों के नाम भी नहीं रखते, वो सोच के रखते हैं कि हम क्या नाम रखें बच्चे का, तो इसलिए बाबू कह लेते हैं, मुन्ना कह लेते हैं, गुड़िया कह लेते हैं, रानी कह लेते हैं। तो छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, मूर्त में जाएगा, संवेदी, बिल्कुल सही जवाब है, ये वाला नहीं होगा, नहीं पूर्व संक्रियात्मक होगा नहीं। 0 से 2 साल कहाँ आएगा भाई, 0 से 2 साल, क्योंकि वो सेंस कर रहा है ना, शिशु है अभी, समझ जाए ना। देखिए इस तरीके से करेंगे बड़ा मज़ा आ जाएगा आपको, पूरा सवाल करने में मज़ा आ जाएगा, और मुझे तो मज़ा आ ही रहा है क्योंकि आप अभी तक जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, दिल जीत दिया आप लोगों ने। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, क्या करें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में संक्रियाओं के एक दिशीय तार्किक क्रम में, कह रहा तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देता है, लॉजिक सोचना शुरू कर देगा भाई, 0 से 2 साल में क्या लॉजिक लगाए बच्चे के, तो दूध रोटी, रोटी भी नहीं खाता है, दूध पीता है और वो सुसुपोटी, दूध सुसुपोटी, पूर्व संक्रियात्मक में कहाँ लॉजिक लगाएगा, 2 से 7 साल में लॉजिक लगाएगा नहीं, अमूर्त औपचारिक में लॉजिक तो लगाएगा, 11+ में लॉजिक लगाएगा, लेकिन अमूर्तता की लगाएगा, लेकिन अमूर्तता यहाँ पे मेंशन नहीं है, केवल कह रहा है कि लॉजिक तार्किक शुरू कर देता है, कहाँ करता है, शुरू करता है मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया आप लोगों के साथ, अगर आप अभी तक जुड़े हैं, दिल जीत लिया आपने, वाह। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुशासित करने के लिए जीन पियाजे ने डैश को महत्व दिया, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने डैश को महत्व दिया। यहाँ पे जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की को एक साथ मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ पे आप समझ जाइए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए कहा था LC लैंग्वेज कल्चर और सोसाइटी, LCS को महत्व दिया था। लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा किस चीज़ को होती है, लैंग्वेज, उसकी भाषा की, उसकी संस्कृति की और उसके समाज की महत्वता होती है। जबकि जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चों के अंतर्गत मैच्योरिटी, एक्टिविटी मतलब जो का उसकी परिपक्वता, उसकी क्रियाकलाप, उसके अनुभव, एक्सपीरियंस और वो समाज के बारे में भी लेव वाइगोत्स्की मानते हैं इस चीज़ को, सॉरी जीन पियाजे मानते हैं, लेकिन लेव वाइगोत्स्की भाषा के प्रति बड़ा उनका समर्थन है, भाषा के प्रति बड़ा सपोर्ट है उनका, लेव वाइगोत्स्की का, जबकि जीन पियाजे का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने लैंग्वेज को, भाषा को कम महत्व दिया था, उन्होंने भाषा को कम महत्व दिया था जीन पियाजे ने, ठीक है, इन चीज़ को समझ में आ गई। अब सवाल देख लेंगे, सवाल के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जीन पियाजे ने डैश को महत्व दिया जबकि लेव वाइगोत्स्की को महत्वपूर्ण माना, तो जीन पियाजे ने क्रिया करने को, एक्टिविटी मैंने बताया था, एक्टिविटी को ज़्यादा महत्व दिया जीन पियाजे ने, और लेव वाइगोत्स्की ने तो भाषा को, तो पहला ही समझ में आ गया। इसमें जीन पियाजे ने भाषा को बिल्कुल नहीं कहा था, इनाम और सजा की बात तो दोनों ने नहीं करी थी, सजा और इनाम की बात दोनों ने नहीं करी थी,
लेव वाइगोत्स्की ने लैंग्वेज कल्चर और सोसाइटी, इस चीज़ को याद रखिए, LCS लैंग्वेज कल्चर और सोसाइटी किसको करा थी, वाइगोत्स्की ने करा था, ठीक है। जबकि जीन पियाजे अनुभव को, एक्टिविटी को और मैच्योरिटी को मानते हैं जीन पियाजे। तो ये आपका समझ में आएगा, पहला आपका विकल्प सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, मज़ा आ गया बच्चों। अगर आप अभी तक जुड़े हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, मन कर रहा है आपके लिए गाना गा दूँ, लेकिन नहीं, पहले आइए वीडियो देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौने दिखाया जाता है, ये देखिएगा बड़ा मज़ेदार सवाल आ रहा है आपको, फिर छुपा दिया जाता है, उसे भूलने की बजाय खिलौने खोजने की कोशिश करता है, बालक यह विशेषता डैश अवस्था में आती है, इस विशेषता को डैश कहते हैं। मैंने आपको सबसे शुरू में बताया था, किसी बच्चे को अगर हम कोई चीज़ दिखाते हैं फिर हटा लेते हैं तो उसे लगता है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसके लिए वो रोएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसको हमने कहा था कि उसको लगेगा कि वो वस्तु भले उसके सामने नहीं है लेकिन अभी भी वो अस्थायित्व तो है, वो प्रेजेंस है। तो हमने कहा था कि वस्तु अस्थायित्व तो कहा था, इस विशेषता को हमने वस्तु अस्थायित्व तो कहा था। तो कह रहा कि ये विशेषता को क्या कहते हैं, इस विशेषता को हम वस्तु अस्थायित्व तो कहते हैं। आप देखेंगे इन दोनों विकल्पों में वस्तु अस्थायित्व तो है। अब वस्तु अस्थायित्व तो को हमने बताया था कि कौन सी अवस्था में वो इसको समझ जाता है, तो 0 से 2 साल की अवस्था में, संवेदी चालक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में वो इसको समझ जाता है, सेंसरी मोटर स्टेज में इसको समझ जाता है। इसीलिए आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, संवेदी अवस्था। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार एक्चुअली ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये रहा पर ग्राफ, देखिए मैंने कहा था कि संवेदी गामक अवस्था कहाँ है, वस्तु अस्थायित्व, सॉरी वस्तु अस्थायित्व, ये रहा संवेदी गामक, ठीक है, समझ आ गया। 0 से 2 साल संवेदी गामक इसको हम कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया, कुछ और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आइए वो सारे क्वेश्चंस ले आता हूँ जो उस बार पूछे गए, आप फटाफट से होते जाएंगे, अब बिल्कुल समझना नहीं है बट फटाफट से आप कर लेंगे। अगला सवाल, प्रतीकों का इस्तेमाल बस करिए भाई, प्रतीक पूछा, करने की क्षमता, प्रतीक का आएगा सिंबल्स, हेलो हाय टाटा बाय बाय, प्रतीक बच्चा बताएगा, वो होगा कौन सा 2 से 7 साल, तो सॉरी एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं ताकि असुविधा ना हो। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, मज़ा आ गया, मतलब थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक जुड़े हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, अगर आप जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट करते जाइएगा कि हाँ आप देख रहे हैं। संवेदी पेशी अवस्था 0 से 2, ये बच्चा बताइए 0 से 2 साल में कहाँ संकेत करेगा, क्या गलत बात है ना, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 साल, हाँ चलो भैया 2 से 7 साल में वो क्या करेगा, शुरू कर देगा, तो आपको दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला सवाल ऐसे फटाफट से देखते जाइए, जीन पियाजे के संक्रियात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे संतुलन क्रमबद्धता वर्गीकरण, बस 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 समझ गए, बस ज्यादा मत बताइए हमें, बस ये बताइए करता क्या है, CCS के अंतर्गत आता है क्या, क्या वो वर्गीकरण करता है, क्या वो संतुलन करता है, क्या वो सीरीज में क्रमबद्धता करता है, हाँ अगर करता है तो बस 7 से 11 साल के अंतर्गत आएगा। अब 7 से 11 साल के अंतर्गत क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फटाक से मार दीजिए, खलास, ग्राफ ग्राफ में चलने की जरूरत नहीं, अब तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए निम्न में से कौन सा युग का मिलान सही है, अच्छा 2 फरवरी 2023 पेपर 2 में पूछा था, अच्छा कौन सा मिलान सही है, 5% बैटरी बची है, इससे पहले मोबाइल ऑफ हो जाए। आप सभी को थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं जुड़े चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, पता नहीं स्विच ऑफ हो गया तो कब खुलेगा, जो भी हो हलाक से देखे थे। कह रहा है संवेदी भाई संवेदी में कहाँ से मूर्त लगा दिए, अभी तो छोटा बच्चा है वो, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में परिवर्तित सोच नहीं होता, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व तो पहले ही आ जाती है 0 से 2 साल में, मूर्त की कहाँ बात कर रहे हैं आप, ये भी नहीं होगा, औपचारिक और अमूर्त, बहुत सही, चौथा विकल्प आपका बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये सब होमवर्क के तौर पे आप फटाफट से करिए, अब फटाफट से हम करके इस चीज़ को समाप्त करते हैं। बालक की सोच में अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों, अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त में उसको ज़्यादा मज़ा आता है, मूर्त चीज़ों को समझता है, मूर्त चीज़ों को कहाँ समझेगा, मूर्त चीज़ों को समझेगा वो दोस्तों कंक्रीट ऑप्शन में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 7 से 11 साल कहते हैं, पहला विकल्प ही सही है, यहाँ पे 7 से 12 लिखा है, बात वही है, बात बिल्कुल वही है। कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार पहली अवस्था 2 वर्ष की आयु द्वारा बच्चे सबसे बेहतर सीखता है, कहाँ से सीखेगा, सेंस करके सीखेगा, भाषा का अनुकरण सीखेगा नहीं, बोल चल के सीखेगा नहीं, तो 0 से 2 साल में कहाँ सीखेगा, अमूर्त कहाँ चिंतन करेगा, छोटा सा बच्चा कहाँ चिंतन करने बैठ जाएगा, 0 से 2 साल के बच्चे को आप चिंतन करा ही नहीं सकते, भाषा क्या नहीं है, उसको कहाँ बोलना आता है, उसको कुछ बोलना ही नहीं आता, तो भाषा की बात कहाँ से कर रहे हैं, इंद्रियों के प्रयोग से सेंस करके सीखेगा, सेंस करके सीखेगा, सही है, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, हाँ मज़ा तो मुझे भी आ गया। क्या बज गया, 3:30 चलिए। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संक्रमण, अमूर्त चौथा स्टेज 12 साल के ऊपर, बहुत अच्छा अमूर्त, ठीक है,
लास्ट वाला चौथा स्टेज, संवेदी में अमूर्त कहाँ सोचेगा। देखिए ऐसे करेंगे ना मज़ा आ जाएगा, आप जब जब CBT में बैठेंगे एग्जाम देखेंगे तो आपका इन्विजिलेटर कहेगा ओए किससे बात कर रहे हो, फ़ोन लगाए हो क्या? तो कह रहा नहीं सर हमारी आदत है, हम ऐसे ही पढ़े हैं, अब हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपके अंतर्गत अगला सवाल आ गया, जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल आ गया, कह रहा है कि वो अवस्था जब बच्चा, देखिए ये वाला सवाल आ गया, कह रहा है वो अवस्था जब बच्चा, एक सेकेंड ये रहा, मान लीजिए ये सवाल आपके पास आ गया, वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं को घटनाओं के चिंतन प्रारंभ करता है। अच्छा तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है तो आप आ जाइए नीचे शुरू करिए 0 से 2 साल। आप CBT पे बैठे हैं ना कंप्यूटर पे, कहिए अरे यार 0 से 2 साल में कहा, वो तो छोटा बच्चा है, वो कहेगा आपका इन्विजिलेटर कहेगा ओए किससे बात कर रहे हो, चलो चेक कराओ फोन। तो आप ऐसे करेगा भाई, वो तार्किक चिंतन लॉजिकल का कब प्रारंभ कर देगा, तो 2 से 7 साल में करेगा, 0 से 2 साल में करेगा नहीं, 2 से 7 में करेगा नहीं, 7 से 11 में ही करेगा। मूल संक्रियात्मक बात खत्म, क्लिक करिएगा आगे बढ़ जाइएगा, नेक्स्ट कर लीजिएगा ठीक है। अगर ये पूछ लेगा ना तो आप ऐसे करेंगे सवाल कि किसी ने सोची ना होगी। चलिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पार्क संक्रियात्मक अवस्था, मैं शुरू में बताता खेलना, बच्चा खेलना चाहता है, खेलना कहाँ जाएगा बताओ, खेलना कहाँ जाएगा भाई, 2 से 7 साल, 4 से 8 होगा नहीं, जन्म से 2 वर्ष होगा नहीं, 2 से 7 साल क्लास, 2 से 7 साल बहुत अच्छा। चलिए इस वीडियो को हमें समाप्त करना है जल्दी से ताकि मेरी वो बैटरी लो हो रही है मेरी नहीं मोबाइल की। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पार्क से, ये तो हमने कर लिया, अगला लगा देते, घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है। भैया कितनी बार पूछोगे भैया, तर्क लॉजिक कब लगाएगा, जब बच्चा 7 से 11 साल में होगा। बस करो भैया बस करो, रहम कर दो, ये सवाल मुझसे मत पूछो, तर्क कब लगाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया में, यानी कि 7 से 11 साल में लगा देगा, बस करो भैया बस करो, थक गए हम लोग अब, मैं भी थक गया, इस वीडियो को समाप्त करेंगे, 3-4 और स्लाइड बचे हुए हैं शायद, हाँ 3 और। पियाजे के संवेदी, भैया बच करो भैया, संवेदी का मतलब 0 से 2, बच्चे समझ गए हैं 0 से 2 बाबू की बात हो रही है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस आयु, ओहो ये क्या करे, औपचारिक, ओके ओके फॉर्मल स्टेज, औपचारिक सबसे लास्ट वाला, बताइए क्या होगा, 0 से 2 ये तो बाबू है, 2 से 7 अभी भी खेलने वाले बात है, 7 से अब इसने लॉजिक लगाना शुरू किया है, 11 से 15 हाँ परिकल्पना करता है, औपचारिक है फॉर्मल स्टेज, तो आपका चौथा विकल्प सही हो गया, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण में इंद्रिया, ओके 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 इंद्रियों के प्रयोग से, अब भाई इंद्रिया भी छोटा बच्चा ना, इंद्रियों के सेंस कर रहा है, 0 से 2 साल संवेदी प्रेरक, 0 से 2 साल सामाजिक, ओहो सामाजिक मुद्दों पे सरोकार, हो सकता है 5G का बच्चा हो, या आपको भाई अगर ये 20 साल के बाद सवाल पूछे तो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है 0 से 2 साल का बच्चा पंचायत शुरू कर दे, पंचायत 0 से 2 साल का भी नहीं शुरू करेगा, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं है। अनुकरण स्मृति और मानसिक निरूपण कुछ कुछ सही लग रहा है, तार्किक रूप से तो अभी नहीं करेगा, विकल्पों का विश्लेषण कहाँ से करने लगेगा भैया, 0 से 2 साल का बच्चा विश्लेषण करेगा, अभी इतना टेक्नोलॉजी नहीं, वो एक ऐड दिखाता ना कि बच्चा जैसे जन्म लेता है वो मोबाइल चलाने लगता है, फेसबुक पर आईडी लगाने लगता है, तो अभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, 20 साल के बाद मानेंगे, अब फिलहाल तो हम इसके साथ जा रहे हैं कि अनुकरण स्मृति, वो नकल करने की स्मृति उसके अंतर्गत आती है, स्मृति ईरानी। ओके लास्ट सवाल है, आई थिंक पियाजे के वस्तु अस्थायित्व अवस्था अधिक है, यद्यपि कोई वस्तु अस्थायित्व का बात है भाई, वस्तु अस्थाई तो मैंने बताया था वस्तु, ठीक है समझ आ गया, मार देंगे फटाक से, क्या मूर्त काल में नहीं आएगा, औपचारिक में भी नहीं आएगा, पार्क में नहीं आएगा, कब आएगा, बहुत अच्छा, दिस वन इज लास्ट राइटिंग, दिस वन इज द लास्ट, सेकंड लास्ट लास्ट खलास, मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान, ओहो याजे ने कब दिया, कहाँ दिया था योगदान, याजे ने भाषा में तो भाई बिल्कुल नहीं दिया था, नैतिक में, सामाजिक में, या फिर संज्ञानात्मक में, तो संज्ञानात्मक विकास में। एंड दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, एंड आई एम डैम श्योर दैट इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, यू आर डेफिनेटली गोना रॉक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, डेफिनेटली मजा कर लोगे, उड़ा दोगे, तूफान कर दोगे, तहलका मचा दोगे इस क्वेश्चन में, कंप्यूटर तोड़ के मत आ रहा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कंप्यूटर तोड़ के नहीं आना अगर ये सवाल पूछते तो। चलो देखो हंसते खेलते हुए ना टॉपिक तो क्लियर हो गया, जिन पियाजे के उन चारों अवस्थाओं में पूछ लो, मत पूछ मेरी तैयारी कहाँ तक है, तो पूछ ले तेरी हसरत जहाँ तक है, अरे फेल होने का डर तो होगा, जिसे होगा उसे दे, हमें तो देखना है कि तुझे आता कहाँ तक है, तो पूछ 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 भाई पूछ, तू जिन पियाजे के इन चारों अवस्था में जिसे जो पूछना है पूछ ले, बच्चे इस तरीके से तैयार है। कह रहा है कि संज्ञात्मक विकास की वो अवस्था बालक वस्तु अस्थायित्व, बस करो भैया वस्तु अस्थायित्व कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा भाई, औपचारिक में तो बहुत बड़ा हो गया, मूर्त में तो 7 से 11 साल में तो थिंकिंग लॉजिकल लगाने लगा, पूर्व संक्रियात्मक में तो खेलने लगा, वस्तु अस्थायित्व कब आता है भाई, 0 से 2 साल,
जिसे हम इंद्रिय गामक कहते हैं, संवेदी गामक कहते हैं, जिसे हम सेंसरी मोटर कहते हैं। बस कर दो भैया, बस कर दो। आप सब कह रहे होंगे कि बस कर दो, रहम कर दो, रहने दो, बंद करो। हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो आप सब की बातों को यहाँ पे मानते हैं और इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी, कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कमेंट में बता दीजिए। गर्मी में फैन इसलिए बंद कर रखा है कि आपको बैकग्राउंड नॉइज से प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपके लिए गर्मी में जग के 2:30 बजे यहाँ पे वीडियोस बनाई जा रही है। आई होप कि आपको पसंद आएगी, ठीक है। सो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा कैसे लगी वीडियो, और दूसरे टॉपिक पे हम देखेंगे। जिन प्याजे ने कुछ और चीज़ों के बारे में बात करी थी, जैसे कि समायोजन, समावेशन, और कुछ हम पॉइंट्स देख लें इनके बारे में, एडॉप्टेशंस की बात करते हैं, इसको भी हम देख लेंगे। इससे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और उसके बाद वायगोत्स्की को, जैसे हमने जीन प्याजे को देखा वैसे लियो वायगोत्स्की की देख लेंगे, कोदरबर्ग को देख लेंगे, फिर सीटेट खत्म, यार कोई दिक्कत नहीं। चलो, जय हिंद जय भारत साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी तैयारी बहुत अच्छी हो गई, आपकी कैसी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक अपने खूब ख्याल रखिए। जय हिंद जय भारत। नहीं जुड़े चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सब खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।